Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, आज तुम्हारा भाई फिर से एक नया तड़कता भड़कता बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट लेकर आया है आप लोगों के लिए. सो यूजुअली मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि यार जब भी हम एक अच्छी वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें ऑडियो का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो आप देखेंगे कि आपको मेरी ऑडियो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आ रही है, चाहे मेरा कैमरा बहुत ही ज़्यादा दूर है. सो वायरलेस का ज़माना है एंड आज मैं आपके लिए एक और प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि है वायरलेस माइक्स एंड दिस इज़ अ डूअल सेटअप एंड ये आता है आपका हॉलीलैंड की तरफ से. सो बहुत सारे लोगों ने शायद हॉलीलैंड का नाम नहीं सुना होगा, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से माइक्रोफोन्स एंड काफ़ी अलग अलग से प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है. सो हमारे पास जो आज प्रोडक्ट है दैट इज़ द लार्क M1. इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा ये प्रोडक्ट है, रेंज वेंज हर चीज़ चेक करने वाले हैं. सो अगर आपका बजट 15,000 से 20,000 रुपये तक का है एंड आप एक डुअल वायरलेस माइक्रोफोन सेटअप लेने का सोच रहे हैं, देन आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. ओके गाइस, तो कुछ ऐसा सा जो बॉक्स है वो हमें यहाँ पे हॉलीलैंड की तरफ से मिलता है. यहाँ पे हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है, ये कुछ डिज़ाइन है जिस तरीके से आपको अंदर जो माइक्रोफोन्स का सेटअप है वो कुछ ऐसा सा मिलने वाला है. यहाँ लार्क M1 की ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है. काफ़ी सारी डिटेल वगैरह दे रखी है इसमें, यहाँ पे बता रखा है कि 2% का वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है प्लस चार्जिंग केस जो है वो आपको मिल रहा है. सो अलग अलग ऑप्शन इसमें आते हैं, अगर आपको चार्जिंग केस वाला चाहिए तो आप चार्जिंग केस वाला साथ में ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वायरलेस माइक्रोफोन्स वाला सिस्टम चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, अगर आप सिंगल पर्सन वाला चाहिए तो वैसा चाहिए. ओके गाइस, जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है एक बहुत ही अमेजिंग सा पाउच जिसमें आपको हॉलीलैंड की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है. आपको यहाँ पे एक पकड़ने के लिए थ्रेड टाइप मिल जाता है ताकि आपके जो माइक्रोफोन्स हैं आप उनको ईजिली कहीं पर भी कैरी कर सकें. सो इट्स अ जिप पाउच एंड कुछ हद तक इस तरीके से जो पाउच है वो आपको खुलता है. मतलब आई डिडंट एक्सपेक्टेड यार कि ये इतने छोटे माइक्रोफोन्स होंगे, बट दीज आर रियली गुड और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले. सो ये कुछ हमारे पास केस है एंड इस केस का बेनिफिट ये है कि आप जब इस केस से ऑटोमेटिक निकालेंगे, सपोज़ जैसे आपने ये निकाला, तो आपका ये जो दोनों सेटअप है ये अपने आप सपोज़ कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है. और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनको वापस अपने केस में डाल देना है और ये आपके माइक्रोफोन्स जो है वो बंद हो जाएंगे. तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको बार बार इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है. सो गाइस, दूसरी चीज़ मुझे इन माइक्रोफोन्स की बहुत ही अच्छी लगी कि सपोज़ आपके माइक्स और ये ट्रांसमीटर की बैटरी ख़त्म हो गई है तो आपको इनको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इनको इस बॉक्स के अंदर डालना है, बंद कर देना है एंड ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे चार्जिंग है वो चार्ज होती रहेगी. एंड एक बॉक्स जो आपका चार्ज करता है ऑलमोस्ट 2 से 3 बार ही जो है आपके ये माइक्रोफोन्स एंड ट्रांसमीटर को चार्ज कर लेता है. सो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स को चार्ज करने की ज़रूरत है एंड यू आर गुड टू गो यार. आप मतलब आप ऑन द गो इन माइक्रोफोन्स को चार्ज कर सकते हो. मतलब आपकी बैटरी ख़त्म हो गई, आपने बस इनको डाला, आप दूसरी जगह तक पहुँचे और इसने आपके जो माइक्रोफोन्स और ट्रांसमीटर है उसको चार्ज कर देना. सो ओके, नेक्स्ट थिंग हमें क्या मिल जाता है, पहले एक बार सारे बॉक्स वगैरह को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिल रही हैं. ओके, सो हमें यहाँ पे डेड कैट मिल जाते हैं जो कि आपके इनके ऊपर ही लग जाएंगे, ताकि सपोज़ कोई बाहर एक्स्ट्रा विंड चल रही है या साउंड है कुछ है तो ये उसको ईजिली थोड़ा सा ब्लॉक कर सकता है. तो ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे को यहाँ पे बहुत सारी केबल्स मिलती हैं. सो वी हैव 1, वी हैव 2 एंड वी हैव 3. सो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके, जिसे आप DSLR के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप फ़ोन्स के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे इनके साथ मिल जाते हैं. एक हमें यहाँ पे Type-C to USB जो केबल है वो मिल जाती है चार्जिंग के लिए, कि आपको ये जो बॉक्स है इसको अगर सपोज चार्ज करना है तो आपको इसको यहाँ लगा देना है एंड आप इसके थ्रू जो है अपने जो इस बॉक्स है उसको चार्ज कर सकते हैं. माइक्रोफोन से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मुझे कंपनी की तरफ से आया है. सो अगर आपका सपोज फ़ोन है जिसमें आपके पास 3.5 mm जैक नहीं है, जैसे मेरा ये फ़ोन है इसमें 3.5 mm जैक नहीं है, सो हमें एक और वायर जो होती है USB-C वायर टू ऑक्स वायर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इसके साथ कनेक्टिविटी जो है वो कर सकें. सो ये आपको अलग से लेनी पड़ेगी अगर आप अपने फ़ोन के लिए लेना चाह रहे हैं. एंड इसको भी मैं आपको एक बारी खोल के दिखा देता हूँ कि बस एक वायर निकलती है, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ ऑक्स 2 Type-C जो कि आप सपोज़ आपके फ़ोन में 3.5 mm जैक नहीं है तो आप ये वाली वायर अलग से परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं भाई ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स की.
सो क्या क्या हमें इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या फंक्शंस मिल रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एंड एज यू कैन सी हमने सिर्फ अभी निकाला है एंड हमारे माइक्रोफोन्स एंड जो रिसीवर है वो सारे आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। सो लेट्स सी द माइक्रोफोन फर्स्ट। सो माइक्रोफोन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे माइक का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे हमारे को नीचे सपोज़ हम बॉक्स में रख के चार्ज नहीं करना चाहते तो हमारे पास इंडिविजुअल चार्जिंग ऑप्शन भी है जहाँ से आप USB-C पोर्ट लगा के इसको ईजिली चार्ज कर सकते हैं। ओके, सो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि सपोज़ आपके पास बॉक्स आपका कहीं छूट गया, आपके पास FM माइक है और आप इनको चार्ज करना चाहते हैं तो अलग से आप इनको चार्ज भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। दूसरी चीज़, आपको इसके अंदर पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। तो सपोज़ जैसे मैंने बोला कि अगर आप इसको इस बॉक्स में डाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाता है, बट सपोज़ आपके पास बॉक्स नहीं है या आप बार बार इसको बॉक्स में नहीं डालना चाहते तो आप इसको यहाँ से थोड़ी देर ऐसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका माइक है वो ऑफ हो जाएगा एंड इसी बटन को हम थोड़ी सी देर दबा के रखेंगे देन ऑटोमेटिकली आपका जो माइक है वो ऑन हो जाएगा। सो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि सपोज़ आपको नॉइज़ कैंसिलेशन चाहिए तो आप इस वाले बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो लाइट है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। सो ब्लू का मतलब है नॉइज़ कैंसिलेशन आपकी ऑफ है एंड अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन रखते हैं तो थोड़ा सा साउंड का फ़र्क आता है, थोड़ी सी आवाज़ जो है वो दबी जाती है क्योंकि वो इधर उधर का जो साउंड है वो लेना बंद कर देता है, कम कर देता है काफ़ी ज़्यादा। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो माइक्रोफोन है उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है या ऑफ है। अब बात कर लेते हैं भाई रिसीवर की। सो रिसीवर में अपने पास क्या ऑप्शन है? ओके, ऊपर ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे एंड नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ जो हमारा चार्जिंग वाला पोर्ट है इसको हटा के ही आपको चार्जिंग करनी है। सो आप इसको यहाँ से चार्जिंग कर सकते हैं। हमारे पास इस तरफ ऑन ऑफ का बटन है जैसे आपके वायरलेस माइक्स में था, इसमें भी आप इसको अगर दबा के रखेंगे तो आपका जो रिसीवर है वो ऑफ हो जाएगा एंड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आउट का ऑप्शन है जहाँ से जो हमारी ऑक्स वायर है वो लग जाएगी। पीछे हमारे को एक अच्छा स्टडी के ये जो क्लिप है वो दे रखा है जो कि कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड यहाँ पे दो बटन्स दे रखे हैं। सो बेसिकली एक है हमारा ये वाला जो बटन है, ये बेसिकली है आपका वॉल्यूम का। तो अभी जो वॉल्यूम पे है ये लगा हुआ है वो है मीडियम के ऊपर एंड अगर आप इसको प्लस करते हैं तो दैट मीन्स ये और ऊपर आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसकी वॉल्यूम 3 लेवल एडजस्टमेंट है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है मोड का। सो बेसिकली इसमें आप एज अ डुअल सेटअप अगर मैं बात करूँ कि जैसे सराउंड सिस्टम होता है दोनों तरफ दोनों लेफ्ट राइट दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं तो वो आपके पास एक ऑप्शन है। ओके गाइस, सो अभी जो हमारा माइक्रोफोन है वो हमने स्विच कर दिया है हॉलीलैंड के ऊपर एंड जैसे मेरा पहले वाला माइक्रोफोन लगा हुआ था अंदर उसी तरीके से मैंने ये वाला माइक्रोफोन जो है उसको भी अंदर लगाया ताकि आपको एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो बता सके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्राइस की डिफरेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, लाइक ये ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है जो कि हम पहले माइक्रोफोन यूज़ कर रहे थे उससे। सो कैसी साउंड आ रही है वो आप एक बारी चेक करिए। सो इसको एक बारी जैसे मैंने आपको बोला लेफ्ट टू राइट अगर आप मोनो चलाना चाहते हैं, जैसे पॉडकास्ट में यूजुअली क्या होता है आप लेफ्ट राइट आवाज़ जो है वो अलग अलग सुनाना चाहते हैं ताकि हर बंदे को जब सुनते हुए लेफ्ट में अलग बंदे की आवाज़ है राइट में अलग है, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर है। ठीक है, सो अभी हमारा जो लेफ्ट टू राइट वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं चेंज करूँगा और यहाँ से मैं दूसरा वाला माइक्रोफोन लेकर आऊँगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक तरफ से आवाज़ जो है वो ज़्यादा आ रही होगी। सो कुछ इस तरीके से जो है साउंड का डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमें इन माइक्रोफोन्स में एज अ फीचर मिल जाता है। सो भाई इसको चलते हैं लेके बाहर और बाहर चल के देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी रेंज कितनी है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से इसकी रेंज बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, सो अभी हम जो माइक्रोफोन्स हैं उनकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि कितनी रेंज तक एक्चुअल में ये जो माइक्रोफोन्स हैं वो काम करते हैं एंड अभी हम कोशिश करेंगे पूरी आखिर तक जितना भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 feet का डिस्टेंस जो है वो हम कवर अप करेंगे यहाँ के अंदर। सो अभी ऑलमोस्ट हम आई सपोज 100 feet जो है वो कवर कर चुके हैं। साउंड इधर उधर जैसे बाइक चल रही हैं स्कूटर्स चल रहे हैं तो कैसा साउंड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो कुछ इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 350-400 feet तक का डिस्टेंस जो है वो यहाँ तक हमारा आ गया है। नॉइस कैंसिलेशन है उसको भी ऑन कर देता हूँ ताकि जो इधर उधर की साउंड है वो भी आप लोगों को पता चल सके कि क्या एक्चुअल में जो हमारी नॉइस कैंसिलेशन है
वो इसमें इफेक्टिव रहती है नहीं रहती, क्योंकि इधर भी हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़े बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी इधर उधर से चिड़िया की आवाज़ें आ रही हैं, जिससे आपको मोस्टली पता चल जाएगा कि यार एक्चुअल में जो नॉइस कैंसिलेशन की साउंड है वो यहाँ पे है, ये जो माइक्रोफोन्स है वो कितना ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से नॉइस कैंसिलेशन काम कर रही है। ओके गाइज, आपने सारी डिटेल देखी यार, अनबॉक्सिंग देखी, आपने प्रोडक्ट की रेंज देखी, मैं अभी ऑडियो सुन रहा था एंड हम काफ़ी लंबा गए, जब तक ये माइक्रोफोन्स बिल्कुल सामने सामने थे, लाइक मैं मतलब सामने मेरा ट्रांसमीटर लगा हुआ और मैं कुछ इस तरीके से बात कर रहा हूँ, देन कोई भी इशू नहीं है, काफ़ी लंबा मैं गया एंड वहाँ तक ईजिली जो इसकी साउंड है वो कैप्चर कर रही थी। बट जैसे ही हम ऐसे उल्टे हो रहे थे और उल्टे होकर हम यहाँ पे इस तरीके से बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 100 फीट तक की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 100 फीट के बाद जो है वो साउंड जो है वो कटनी शुरू हो गई थी। सो दैट मीन्स अगर आप 100 फीट से ज़्यादा जा रहे हैं और आपकी कोई वीडियो शूट इस तरीके से जिसमें कैमरा आपका पीछे है और आप कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है कि इसकी जो साउंड है वो कटती है, जो कि हमने अभी इसके अंदर भी चेक करा। बट अगर आपका ऐसे कैमरा लगा हुआ और आप कुछ ऐसे शूट कर रहे हो तो यार 400 फीट के आसपास तक तो मैं गया एंड मुझे उसके अंदर कोई भी इशू नहीं लगा। दूसरी चीज़ मुझे इसकी बहुत सही लगी, जो नॉइस कैंसिलेशन है, नॉइस सप्रेशन है जो इसके अंदर, जो कि इधर उधर का सराउंड साउंड जो है उसको ख़त्म करता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 50-70% तक की इधर उधर की जो साउंड है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी साउंड आपकी खुद की भी सप्रेस हो जाती है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द वर्क यार, वो कुछ काम ही इसी तरीके से करता है जो नॉइस सप्रेशन होता है, तो वो भी मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगा। सो जो भी मेरा डाउट था वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया कि अगर आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हैं तो रेंज प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, बाकी आमने सामने तो भाई एक खतरनाक काम करता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए। आई होप आपको पसंद आया प्रोडक्ट, बाइंग लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके ये जो प्रोडक्ट है उसको खरीद सकते हो। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।